अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग विद हाउ टू वर्क विद पीएचपी। हाउ टू वर्क विद पीएचपी, सो बिफोर गोइंग टू राइट द कोडिंग आई विल बी टेलिंग शोइंग यू व्हाट व्हाट थिंग्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम। सो आई एम शोइंग यू दैट बिफोर दैट व्हेन यू स्टार्ट योर प्रेजेंट, हमको ये लगता है कि बहुत ईजी है, एचटीएमएल में हो जाएगा, वेरी नाइसली वी कैन HTML कोडिंग तो आप रन कर सकते हो, पर PHP की कोडिंग के लिए आपको सर्टन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। वो सॉफ्टवेयर अगर आप विंडोज पे है तो एग्जाम्पल देखो, ये वाला सॉफ्टवेयर आप ये देखो, अगर आपका विंडोज पे है तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर है XAMPP। आप 32 bit से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट प्रोबली ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 32 bit और 64 bit। अगर 32 bit है तो ये ऐसे आप एग्जाम पे जाओगे, ये देखो डाउनलोड एग्जाम दोनों से सेक्शन के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे जो भी फाइल आपको चाहिए, जैसे कि 7.4 अभी लेटेस्ट वर्जन से, ये मेरा ओल्डर वर्जन पे ही मैं काम कर रही हूँ। आई विल शोइंग यू हाउ टू वर्क विद इट, जस्ट वी आर गेइंग हियर। यहाँ पे आपको सर्टेन इंक्लूजन दिया है 7.234 और ये इस तरह से, तो आप यहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे इसे। व्हेन यू इंस्टॉल इट, इट विल बी इंस्टॉलिंग इट। ओके, जब आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद उसे ओपन करना है आपको। वंस इट इंस्टॉल्ड, once it installed up with your computer system, next what function will automatically आपको इसे run करना, पर इसके लिए आपका internet access जरूरी है, that is your internet should be working also that you access the XMP files, has it required a database of SQL and other MySQL, okay? After instantly install हो रहा है हमारा, after installing this, you will be opening this, this is one of the control which will be seen. आफ्टर इंस्टॉलिंग ये भी जो भी आप इंस्टॉल करोगे तो ये डायरेक्टली आप सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन खुद ही बोलेगा कि वेर यू इंस्टॉल। उसके बाद ये वाला आपका कंट्रोल पैनल आपको दिखेगा, ओके दिस, तो हम अपाची ले रहे हैं तो इसको स्टार्ट करेंगे। देखो ये अब मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, एक्शन है स्टार्ट। उसके बाद सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन डालना है, php.in खोलोगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, वहाँ पे आपको फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ सर्टेन थिंग्स शुड बी रिटन है, दैट इज DLL फाइल्स चाहिए आपको, वो आप इंक्लूड करोगे यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी पुट किया है एक्सटेंड, ये दो चीज हमें डालना है। उसके बाद इसे फाइल को सेव कर दोगे आप, दैट्स इट। देन वी विल बी गोइंग विद स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्ट अपाची, और ये हमारा हाउ द, अब इसका कितना वो ले रहा है पीआईडी, कितना पोर्ट नंबर, कितना ले रहा है एक्शन। अब इसके बाद इसको मिनिमाइज कर दो आप, ठीक है। अब हम आपको पहली कोडिंग जो आपकी एसओपी की कोडिंग कर रही हूँ वो आपको दिखा दूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग विद द एसओपी कोडिंग, तो फर्स्ट एसओपी इज राइट अ पीएचपी प्रोग्राम टू चेक इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, द प्रोग्राम शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो पहले मैं एक HTML फाइल लूंगी, ओके, और उस HTML फाइल को मैं सेव करूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जहाँ आपका XMP हमारा ऑलरेडी सी ड्राइव पे सेव हो जाता है, देखिए ये हमारा XMP पे सेव हो जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखता है htdocs, क्योंकि हमारा HTML फाइल है तो htdocs लेंगे, वहाँ पे एक फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, इस फोल्डर के अंदर आप सारे फाइल्स आपने सेव करने का, HTML भी फाइल और PHP भी फाइल सेव किया मैंने, ओके। तो बिफोर गोइंग टू दैट, अब आप क्या करने वाले हो, कोडिंग। अब मेरा कोडिंग पहले HTML में आपको दिखा दूँ क्या है कोडिंग, सिंपल कोडिंग है, हमें एक फॉर्म सबमिट करना है, ओके, एंड दैट इज HTML H1 अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर पर्सन एलिजिबल टू वॉट फॉर्म मेथड पोस्ट, पोस्ट मतलब इट विल बी पोस्टिंग द मेथड, मतलब एक तो गेट मेथड है, एक पोस्ट मेथड है, एक पोस्ट मतलब रिट्रीव करना, तो रिट्रीव करेगा और वो कहाँ पे जो एक और कोडिंग लिखना उसमें .php डालना, ठीक है ये। और ये आपको, ये तो आपको HTML हमेशा सिखाया, तो ये आपको पता होगा कि हम लोग HTML में फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू एज, और फिर ये इनपुट टाइप, ये इतना फॉर्म का डिजाइन हो गया HTML पे। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, फाइल सेव एज करोगे, ठीक है, कहाँ सेव करने वाले हो, फाइल सेव एज कर,
फाइल सेव एक्सएमपी पे आप ये करेंगे, उसके बाद एसटी डॉक्स पे डालेंगे और ये अपने फोल्डर पे सेव कर सकते हैं फाइल्स, जो भी फाइल्स है ठीक है। इसके बाद डॉट एचटीएमएल पे सेव कर दिया आपने। ये होने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट क्या करने वाले हो, यू विल बी राइटिंग अ कोडिंग फॉर पीएचपी। यहाँ पे पीएचपी इज आल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ एन एक्शंस ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है कि इफ इज द वैल्यू दैट इज सेट टू बी इन द सबमिट बटन एंड दैट एज इक्वल टू पोस्ट, मतलब यू आर पोस्टिंग द एज और एज लिमिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क। एंड फाइल अगेन सेव एज करोगे और कहाँ पर सेव करो, वापस आपका देखो लोकल डिस्क है, एक्स एम पी पेज है बार बार, और यहाँ पे क्या लिखे, और इसको याद रखना कभी भी सेव करो तो इन्वर्टेड कॉमर्स में, ऑलवेज फिट विद द इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके दिस इज द वे यू विल बी स्टोरिंग इट। After doing this, after running all this application, now next step what we will be going up with, कि ये सब ये तो आपको समझ में आया क्या दिया हमने इंटर, और उसके बाद आपको एक और पीएचपी प्रोग्रामिंग था वो ये, कि ये हमारा है दो अलग कंडीशंस और दो अलग टाइप्स मैंने आपके लिए as it is this way I have made it up। अब उसके बाद आप क्या करो, रन बटन पे जाओगे या तो रन पे टाइप करो या सीधा आप अपने लोकल होस्ट, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा, योर कंप्यूटर इज अ लोकल होस्ट, तो यू विल बी वर्किंग ऑन द लोकल होस्ट, कॉलिंग योर फोल्डर नेम एंड वेयर यू आर पुटिंग दिस एज डॉट एच, उसको क्लिक करना, दिखा देती हूँ, दिस इज अ लोकल होस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ओके नाउ आई एम पुटिंग योर 10। अब देखो क्या बताता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। फिर अगेन इफ यू वॉन्ट टू गो जस्ट क्लिक ऑन इट 21, you are eligible to vote. This is how you will be working with the coding. So hope you understand कैसे कैसे हम coding कर सकते, पर आपके लिए main चीज है कि अगर आपके पास Linux का तो सबके पास नहीं, सब Windows use करते हो, तो आपको XMP file को download करना अपने computer system पर and then you will be working it. So hope you understand. I again show you the coding of both the part so that you will be able to understand how two parts are connecting. यहाँ पे कैसे connect हुआ आपका, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमने एक्शन दिया है, एक्शन मतलब जब हम एक्चुअल पोस्ट मेथड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या दिखेगा, एज डॉट पी एच पी, ये डायरेक्टली एज डॉट मतलब सबमिट बटन पे, तो वो बताएगा आपको कि एलिजिबल है या नहीं फॉर्म मेथड। तो होप यू अंडरस्टैंड द कोडिंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ SOP 1। सो प्लीज मगर याद रखना यहाँ एज डॉट एच टी एम है, यहाँ एज डॉट पी एच पी, इन्वर्टेड कॉमा में सेव करना है। Jazakallah, my dear student. Please go through this video and please subscribe my channel.